गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अभी नहा धोकर एकदम फ्रेश हो गई हूँ। अभी तो मॉर्निंग नहीं है, अभी गुड नून है, फिर भी आप सभी के लिए गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ क्योंकि ये ब्लॉग मॉर्निंग के टाइम जाता है इसीलिए। और नहाना हो गया है, कल जो मम्मी पापा के लिए रात में डिनर में बनाया था चिकन कौशा रोटी, वो बच गया है, वो मैं लंच कर लूँगी। आज उतना कुछ खाना बनाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, सिर्फ लाल साग भाजी किया है, फ्राई किया है, राइस बनाया, दाल बनाया, आलू चोखा बनाया, बस ये एकदम बना लिया है। और थक गई हूँ और मेरा बैक पे इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है, क्या बताऊँ। मम्मी पापा कल आए थे, अच्छा लग रहा था, कितना मस्त लग रहा था। आज देखो सन्नाटा, पूरा घर वर पूरा सन्नाटा हो गया है। और मेरे माता इन लोग आ गए हैं, कल पापा बहुत बोल रहे थे मेरे पापा के, अगर तुम्हारे सास होते तो अच्छा होता, लेकिन नहीं थे। आज सुबह 7 बजे के करीब घर आए पैदल चल के, फिर आकर बदमाशी जो उनका हमेशा रहता है वो बदमाशी करना स्टार्टिंग हो गया है। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे रूम पर, काम तो हो गया है, नहा धोकर टेरिस पे दे दिया कपड़ा, अभी जाएंगे छत पर, नीचे छत पर नहीं नीचे। आपसे मिली थी मॉर्निंग के टाइम, उसके बाद आपसे मिली नहीं क्योंकि बहुत तबीयत ख़राब हो गया है, मेरा बैक पे बहुत पेन हो रहा है, इतना बुरा हालत है मेरा, क्या बताऊँ। मैं जैसे तैसे आज तो खाना वाना बनाया है और रात में मेरा खाना बनाने का ताकत भी नहीं है, इतना तबीयत ख़राब है, सो गई हूँ, बहुत बैक पे पेन हो रहा है। अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और कुछ चटपटा सा खाने का मन हो रहा था, सुमित मेरे लिए पानी पूरी ला दिया है तो अभी पानी पूरी खाएंगे। पूरा दिन सच बताऊँ खाना बनाने के बाद मैं सो ही रही थी, लेटे रही थी क्योंकि कुछ काम कर नहीं पा रही थी, ऐसे जो बैठी हूँ ना ऐसे बैठने भी ताकत नहीं हो रही, इतना बॉडी पेन हो रहा है मेरा, फिर सर दर्द के मारे एकदम फट रहा है, इसी वजह से ब्लॉग को मैं ठीक ठाक से नहीं कर पाई। और चलो अभी थोड़ा सा पानी पूरी खाते हैं, आप सबको दिखाती हूँ। ये रहा पानी पूरी, ये रहा, तो चलिए मैं खा लेती हूँ। ऐसे फोड़ना पड़ता है, आलू का स्टफिंग अंदर डालना पड़ता है, इसे पानी को लेकर इमली का जो ये रहता है ना वो भरा हुआ है, इमली का जो पल्प होता है वो इवनिंग। आज इवनिंग में मैंने स्नैक्स में खाया पानी पूरी और 10 रुपए ना 5 रुपए बाबूजी केक, 6 रुपए हो गए हैं, बाबूजी केक खाया
और मेरा तबीयत तो अभी भी वैसे के वैसे है। और इसके बाद सुमित से सुन लीजिए सुमित का अपडेट। और मैंने दो चोटी बनाए हैं देखो बच्चे वाले। दोस्तों मेरा भी तबीयत बहुत ख़राब है, मैंने चक्कर आ रहा है खाली, मैं शायद प्रेग्नेंट हो गया है। खाली धरो ना कैमरा, खाली मेरे को चक्कर आ रहा है, कुछ भी कर रहा हूँ तो चक्कर आ रहा है, ऐसे चक्कर आ रहा है, सर हिला रहा हो तो चक्कर आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, क्योंकि मैं उतना काम भी नहीं ज़्यादा करता, तो भारी काम जो तकलीफ होगा हल्का फुल्का काम करता हूँ, फिर भी क्यों इतना चक्कर आ रहा है पता नहीं। ठीक है, तो अभी तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, सोया हुआ हूँ। अब मैंने दवाई खाया शाम के बाद, सुमित मुझे दवाई लेके दिया है, डॉक्टर ने दिखाया, जस्ट बोल के दवाई लेके आए हैं मेडिसिन के दुकान से। और मेरा बैक पे बहुत पेन है, सुबह से सोया हुआ है इसलिए पेन पेन उसका ज़्यादा है, मैंने एक बार मसाज कर दिया, अभी दवाई लेके दिया, खाया पिया सोया। और आज डिनर में हम खाएंगे आलू बिरयानी। घर में खाना है, रोटी है, दाल है, आलू चोखा है, लाल साग भाजी है, फिर भी मन हो रहा था बिरयानी खाने का, चिकन बिरयानी नहीं आलू बिरयानी, बस वो खाएंगे डिनर अरसलान में। का, अरसलान का आलू बिरयानी, अरसलान दो बिरयानी फेमस है, अरसलान का और हाजी बिरयानी, तो आज अरसलान का लाया, पिछले दिन हाजी बिरयानी लाया था, आज अरसलान बिरयानी लाया। मेरे फादर इन लॉ ने मेरे लिए कितना प्यारा सा किचन बना दिया है, वो अभी उसी का काम चल रहा है। मेरा फादर इन लॉ राजमिस्त्री है, तो मेसन बोलते हैं, मेसन मेसन बोलते हैं, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी, वो पहले तैयार हो जाए उसके बाद आपको दिखाऊंगी कितना प्यारा सा किचन बना रहे हैं, तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए ब्लॉग को कंटिन्यू देखिए। ये रहा फ्रेंड हमारा आलू बिरयानी, सलाद उधर से दिया था, दो खीरा और एक ऑनियन स्लाइड्स मैंने फिर से घर पे काट लिया है, और नींबू मेरे घर से। ये रहा सुमित का, तो चलो डिनर कर लेते हैं। और इसी के साथ आज का मैं ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड, क्योंकि मेरा ताकत नहीं है ब्लॉग को कंटिन्यू करने का। और आज के लिए इतना ही, टाटा बाय 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 कर दो अभी, तबीयत खराब लगे, बाय बाय।